नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हाँ, हमारे पास एक नई गाड़ी आई है, ग्लैमर, मतलब बेस्ट फोर है। उसको क्या हुआ था कंप्लेन, वो फॉल्ट बहुत है। मैं फॉल्ट ये है कि गाड़ी चलाते भी मिक्सिंग नहीं हो रहा है, खड़ा करो तो फुल रेस करो, रेस करने के बाद में लास्ट में फट फट करके मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, तो यही हम जानकारी लेंगे, क्या बात है क्या नहीं है, बने रहें वीडियो में। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तब तक लिए वीडियो में बने रहें, लास्ट में कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय, अब बने रहें वीडियो में। ये टाइप का मिक्सिंग हो रहा है और इसका हमने कार्बोरेटर भी साफ़ किया था और फिल्टर भी साफ़ किया है, स्पार्क प्लग भी नया डाल दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने नया डाला है। ठीक है, मैन कारण क्या है इसको मालूम है क्या? अभी बता रहे हैं, देखिए मैंने दो चाल चल रही है गाड़ी। ठीक है, तो हमने इसका CDI भी चेक किया है। ठीक है, तो CDI भी चेक किया है। तो क्या है अभी मेन बात क्या है, अभी इसका हमको टाइमिंग चेक करना चाहिए हमको। जब टाइमिंग लॉन्ग होता है तो बहुत से मैकेनिक भाई ने क्या कहता है, अभी ये जो टाइमिंग होता है वो बैठाने को टाइमिंग, अभी हमको बराबर से इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में, हम चेक कर रहे हैं। हमने टाइमिंग अभी घुमाने के लिए चेक कर रहे हैं टाइमिंग कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि मेन आवाज़ उधर से बराबर मालूम पड़ेगा। ठीक है, करंट फॉल्ट रहेगा तो गाड़ी चलने होता है, टाइमिंग ऐसा ये रॉन्ग हो गया। कितना रॉन्ग है अभी ये बारीक से साथ देखिए, ये एफ है इधर एफ और इधर एक करेक्ट है। ठीक है, तो कभी भी एफ में नहीं रखना चाहिए, ये टी का मार्का है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे कितना रॉन्ग दिख रहा है, पूरा रॉन्ग है। तो बने रहे वीडियो में, मैं साफ करके क्लियर करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे इससे लूज हो जाएगा। ठीक है, लूज करने के बाद में पास में लाओ थोड़ा, ये देखिए यहाँ से लूज हो गया। अभी हम इसे दिखाएंगे। ठीक है, बने रहे वीडियो में। सबसे पहले ये देखो, फिर लूज मैंने कर दिया हूँ, ये यहीं पे दिख रहा था आप लोगों को। ठीक है, अभी क्या करने का, इसको ये इसे उठा लेने का। ठीक है, और इसको ये अभी फाइनल काम हो चुका है। ये ग्लैमर का मिक्सिंग हुआ रहा था तो ये क्रेट कर दिया। अभी वीडियो में देखे हैं, देख ही लीजिए कितना अच्छा वीडियो है, क्योंकि आपको समझने की बात है ये, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। इसमें माइलेज नहीं देगी, गाड़ी बराबर चलेगी नहीं और माइलेज नहीं देगी बराबर, सलेंसर से काला धुआं भी निकल सकता है। माइलेज बराबर नहीं मिलेगा गाड़ी को, क्योंकि बराबर स्मूथ नहीं गाड़ी चलेगी तो माइलेज नहीं मिलता है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होता है और बाकी कुछ नहीं। और बाकी क्या प्रॉब्लम क्या है, यही है क्योंकि मैकेनिक भाई ने या कस्टमर भी, दोनों आदमी को बहुत परेशानी होती है। अगर ये जानकारी अगर नहीं किसी को है तो ये बहुत परेशानी होता है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं करंट ख़राब, CDI चेंज करना पड़ेगा, RK कॉयल चेंज करना पड़ेगा, इंजन कॉयल भी चेंज करो। तो बाकी सब हर तरह से मैंड में कुछ भी बैठ सकता है। तो एक्चुअली पहले नंबर ये चेक किया जाए, ऐसे अगर प्रॉब्लम है गाड़ी के तो ठीक है। इतना मैंने काम दिखा दिया, आप लोग को समझ ही आया होगा। तो अगर हमारे वीडियो से सहमत हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ये कंप्लेंट निकालने के, देखने के लिए करने के लिए तो बहुत सोपा है पर, लेकिन समझने के लिए बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत बारीक काम है। अभी तो डिटेल जमाना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, छोटा सा कमेंट भी कर देंगे तो और मनोबल बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, छोटा आदमी है, सपोर्ट प्लीज़ कीजिए मुझे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय बाय, नमस्कार।